दिल्ली की तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरह सुबह सुबह टिल्लू को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया और लोग सिर्फ कैमरा बने रह गए। किसी की बचाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उस वक्त टुंडा, रियाज, तीतर और राजेश पर खून सवार था। इस पूरे हत्याकांड को जहां सीसीटीवी ने कैद किया तो वहीं इसका वो चश्मदीद सामने आया जिसने टिल्लू को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। इस चश्मदीद ने अपनी आंखों के सामने टिल्लू को एक एक वार पर एक एक सांस दम तोड़ते हुए देखा। इस शख्स ने टिल्लू की एक एक चीख को सुना। उस शख्स ने टुंडा, तीतर, राजेश और रियाज की एक एक गाली को सुना। इस चश्मदीद ने जो कहा वो भी दिल दहला देने के लिए काफी है। इस चश्मदीद का नाम रोहित है। रोहित ने बताया कि जेल नंबर 8 के वार्ड नंबर 5 की सेल नंबर 7 में ये वारदात हुई। 2 मई की सुबह टिल्लू बाहर बरामदे में टहल रहा था। वहीं बी ब्लॉक में गोगी गैंग के साथी रियाज, टुंडा, तीतर और राजेश बंद थे। अचानक टिल्लू भागते हुए रोहित की सेल में आया और बोला कि गेट बंद करो जल्दी से क्योंकि ये लोग उसे मारने आ रहे हैं। जिसके बाद रोहित ने टिल्लू के साथ अपनी सेल का गेट बंद करने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तब तक रियाज, टुंडा, तीतर और राजेश कमरे में घुस गए और टिल्लू पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। रोहित ने बचाने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने रोहित को धक्का कर अलग कर दिया। इस दौरान टिल्लू पर तब तक वार किए गए जब तक वो मर नहीं गया। चश्मदीद रोहित के मुताबिक रियाज बार बार चिल्ला रहा था कि इस बार बचना नहीं चाहिए। रोहित ने बताया कि चारों लोगों ने पहले बी ब्लॉक की ग्रिल का सरिया तोड़ा, उसके बाद ग्रिल में चादर लटकाकर नीचे ए ब्लॉक में उतरे, फिर ए ब्लॉक का गेट भीतर से बंद कर दिया ताकि दूसरी सेल से कोई टिल्लू को बचाने ना आ सके। इसके बाद भागकर उसकी सेल में घुसे और टिल्लू को दबोचने के बाद दीपक, रियाज और योगेश ने उसके पेट, छाती, गर्दन और अन्य जगहों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से तिहाड़ ही नहीं देश भर में हड़कंप मच गया। इसके बाद ही विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली। लेकिन एक बार फिर तिहाड़ में गैंग वॉर की आग लग चुकी है। टिल्लू के अंतिम संस्कार के बाद बदले की कसम कौन खाता है, ये देखने वाली बात होगी।